कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल में। आज मैं आपके लिए भिंडी की रेसिपी लेकर आ रही हूँ। इसको आप सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं। तो जिनको भी भिंडी बहुत ही पसंद आती है तो इस तरह से कि बना सकते हैं, तो और भी वो टेस्ट ना उभर के आएगा। एक बार ट्राई ज़रूर से कीजिएगा और ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और हाँ, सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चल के देखते हैं। ओके, भिंडी की सब्ज़ी कुछ बन के तैयार होने वाली है। चलिए रेसिपी को स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ये कुछ भिंडी को धोकर अच्छे से मैंने काट के रखा है बीचों बीच। और मसालों में मैंने प्याज, टमाटर, एक हरी मिर्च लिया है और लहसुन को घिस के रख दिया है और ऑयल चढ़ा दिया है मैंने। ऑयल में मैंने भिंडी को डाल दिया है। ऑयल अच्छे से आपकी गर्म होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको मैक्सिमम आँच पर ही अभी चलाते रहना है, रुक रुक के इसको चलाते रहना है। और भिंडी की सब्ज़ी ना बड़ी जल्दी हो जाती है, एकदम क्विक वाली रेसिपी है। और जस्ट थोड़ा सा इधर उधर मसाले में हेर फेर मैंने किया और उससे ही इतनी ज़बरदस्त स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी कि मैं तो अब नेक्स्ट बार जब भी बनाने वाली हूँ ऐसे ही बनाने वाली हूँ। तो नमक हल्दी डालकर मैंने भिंडी को जो है तैयार कर लिया है फ्राई। अब इसको मैं करूँगी, अब बीच बीच में इसको मैं चलाती रहूँगी। आँच मेरा हाई पर ही है और इसको ना मतलब पूरा नहीं पकाना है, इसमें कुछ कसर रह जाए बस इतना ही उसको पकाना है बस। अब इस स्टेज में ना हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, इससे ज़्यादा पकाएंगे ना तो मैशी मैशी से भिंडी हो जाएगी, फिर वो अच्छी नहीं लगती सब्ज़ी में। तो ये भिंडी अभी मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और ज़्यादा कुछ मसाले इसमें नहीं चाहिए। जीरा का फ़ौरन मैंने दे दिया, थोड़ा सा जीरा इसमें ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इसमें कटे हुए स्लाइस किए हुए प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम इसको जो है भूनते रहेंगे, ठीक है। और इसमें गार्लिक को मैंने ऐड कर दिया, आप चाहो तो अदरक दे सकते हो, मैंने नहीं ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, आप दे सकते हो। और हरी मिर्च मैंने डाल दिया, जैसा आपको तीखा चाहिए आप उसी अनुसार हरी मिर्च यूज़ कीजिए। टमाटर को मैंने डाल दिया। अब टमाटर जबकि डल चुके हैं तो नमक और हल्दी और बाकी के मसाले मैं इसी स्टेज में ऐड कर दूँगी, ठीक है। नमक हल्दी डाला, अभी थोड़ा सा जीरा पाउडर, कुटे हुए भुने हुए जीरे का पाउडर मैं रखती हूँ, वो डाल दिया। धनिया पाउडर भी मेरा भुना हुआ कुटा हुआ ही है, वो भी मैंने इसको इसी स्टेज में डाल दिया है। अब इसको ना स्पैचुला की मदद से टमाटर को ऐसे बीच बीच में ना काट देंगे, ऐसे करने जल्दी पक जाती है। और हल्का सा पानी इसमें दे दीजिए, 2-3 स्पून के करीब, वो इसलिए क्योंकि टमाटर जल्दी से कुक हो जाए हमारे। और चाहो तो ना थोड़ा सा ढक ढक कर भी इसको पका सकते हो। तो कुछ इस तरह से जो है ग्रेवी आपकी बन के तैयार हो जाएगी। और आपको देख के लग ही रहा है कि मसाले भुन चुके हैं क्योंकि तेल जो है मसाला छोड़ने लगा है। तो इसी स्टेज में मैंने फ्राई किए हुए भिंडी मैं इस मसाले में ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मसालों के साथ जो है चलाते रहेंगे, तब तक चलाएंगे जब तक भिंडी में अच्छे से मसाला सारी भिंडियों में कोट ना हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको अभी हम मैक्सिमम आँच पे ही भून रहे हैं। तो अच्छे से कोट जब हो चुकी मेरे मसाले तो सारे उसके बाद ना हम लोग पानी इसमें ऐड कर देंगे। 1 कप के करीब मैंने पानी ऐड किया। आपको जितनी क्वांटिटी में ग्रेवी चाहिए उसी क्वांटिटी में आपको पानी इसमें ऐड करना है। और नमक इसमें मैंने स्वाद के अनुसार दे दिया। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपने टमाटर डालने के समय भी इसमें नमक दिया था और भिंडी भी जब फ्राई कर रही थी आपने तो भी मैंने ना नमक दिया। तो ध्यान से अभी नमक ऐड करना है, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर टेस्ट बिगड़ जाएगा इसका। तो आप टेस्ट करके ही नमक डालें। और ना गरम मसाला का पाउडर मैंने अभी स्टेज में डाल दिया, ये भी मैंने घर में ही तैयार किए थे। अब इसको अच्छे से मसालों के साथ भिंडी को अच्छे से हम इसको जो है मिला लेंगे और एक अच्छा सा बॉयल आने तक वेट करेंगे, ठीक है। अब अच्छा सा देखिए इसमें बॉयल आने लग गया है,
और कुछ मसाले इसमें नहीं जाएंगे। धनिया का पत्ता अगर है आपके पास तो आप ना इसे स्टेज में डाल सकते हो, मेरे पास नहीं था, मैंने ऐड नहीं किया है। और इसको ढक के कम से कम 5-7 मिनट तक आप रख दीजिए। 5-7 मिनट के बाद आप चेक करिए, आपकी सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन चुकी है और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार ट्राई ज़रूर से कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स छोड़ना ना भूलें। मेरे इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।